साडा टीवी यूएसए देख रहे दर्शकों का स्वागत है दोस्तों। दुखदाई खबर अमरीका तो लैके हाजिर होए हैं जिथे कि भयानक हादसा वापरिया है। मेरी थोड़ा रिक्वेस्ट है वीडियो अंत तक जरूर देखो ता जो सारी जानकारी सही तरीके पहुँच सके। भयानक हादसा अमरीका दे विच वापरिया जिस विच कई लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। यह हादसा न्यूयॉर्क सिटी के ब्रॉक्स विच वापरिया है जिथे कि एक अपार्टमेंट तो यह घटना सामने आई है जिथे 19 मंजिला इमारत विच दूसरी मंजिल उपर भयानक अग लग गई सी जिथों यह फैलती हुई दूसरी मंजिल से आ गई तो इस धुएं ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के 200 कर्मचारियों वालों मौके पर पहुँच के अग उत्ते काबू पाया गया। इमारत में फसे हुए लोगों को बाहर कढ़िया गया। इस हादसे में 9 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हुई दसी गई है। मरण वाले इन बच्चों की उम्र 16 साल या इस तो घट है। इस बारे जानकारी देते हुए न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट के कमिश्नर डेनियल निगरो ने दसिया है कि इस घटना कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं जिन्हों के अंदर सह लेंदे समय धुआं चले गया सी। उन्होंने दसिया कि इस घटना की जांच की जा रही है। उत्थे सारे जख्मियों हस्पतालों में दाखिल करा दिता गया है। इस समय 13 लोग हस्पताल में जेरे इलाज हैं तो सारियां दी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने दस्या कि जिथे अग बुझाऊ कर्मचारियों ये लोग गंभीर हालत में मिले हैं उत्थे बहुत सारियां दिल का दौरा पिया होया सी ते कुछ नूं साह लैण विच मुश्किल आ रही सी। देश में 10 दिनों के दौरान यह तीजी घटना है जिस विच इन्ना ज़्यादा नुकसान हो गया है। इस तो पहले इस तरह की एक घटना 1999 टैनसी की एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग में वापरी सी जिथे 16 लोगों की मौत अग लगन कारण हो गई सी। इस साल के अग दियां 3 घटनावां सामने आ चुकियां हन जिस कारण लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। तो दोस्तों इस तरह दियां होर ताज़ा अपडेट्स लई चैनल नूं सबसक्राइब करो वीडियो नूं शेयर करना ना भुलो।